अमर सिंह जी, स्वागत है आपका जी हमारी वाइफ है 45 ईयर। जी। उनके दोनों पैरों में दर्द रहता है गांठ के नीचे हमेशा। कैसा ही दर्द हो, मैंने एक चीज आपको बता रखी है। आप अगर नए जुड़े हैं तो कोई बात नहीं, फिर से बता देता हूँ। गौंद आता है जिसे गौंद स्याह कहते हैं। स्याह मतलब काला, गौंद स्याह। असली लेना आपकी जिम्मेदारी, गौंद स्याह वो भी असली। देखिए हम दुकान पे जाते हैं तो वो दुकानदार चालाकी कर देता है हमसे, और वो एक काली से कोई और गौंद दे देता है जो चमकती है बिल्कुल, ऐसे चमक है उसमें। चमक वाला नहीं लेना, चमकदार नहीं। वो एलवा दे देता है, वो एलोवेरा के छिलके का पानी होता है सूखा, वो दे देता है। वो सस्ता बहुत आता है, इसलिए वो अपने ज़्यादा फायदे के लिए आपको वो दे देता है। या ढाक का गौंद दे देता है, वो भी काला काला होता है, वो भी नहीं। गौंद सिया अलग होता है, चमकता नहीं, जायके में कड़वा होता है, और 15-16 रुपए का 1 ग्राम आता है। ये ले लीजिए, 1 ग्राम लें और आधा आधा ग्राम 2 बार दिन में खाने के बाद खिलाना है। ये 1 दिन का आपका हो गया। असली लेना आपकी जिम्मेदारी, नकली लिया मैं जिम्मेदार नहीं। आधा ग्राम गौंसिया 1 चम्मच मलाई में मिला के जल्दी से खिला दें, और पानी या कम चर्बी का दूध पिला दें खाने के बाद। ऐसी रात को भी करना है, या शहद में मिला के खिला दें, या देसी घी में मिला के 1 चम्मच में खिला दें। लेकिन गौंसिया आधा ग्राम से ज़्यादा बिल्कुल ना दें, ये बहुत तेज़ होता है। इससे ज़्यादा देंगे तो नुकसान भी कर सकता है। और ये आप तो 3 महीने इलाज करें, 15-20 दिन में महीने में भी फ़ायदा हो जाए तो 2-3 महीने इलाज करना ज़रूरी है। और एक शर्त ये है कि वेस्टर्न टॉयलेट, ऐसा कुर्सी वाला शौचालय इस्तेमाल करें, और झाड़ू पोछा या मेहनत का काम कुछ दिन ना करने दें। जब तक इलाज चले तो इनको फ़ायदा होना मुमकिन है। राजवीर जी, स्वागत है आपका। हाँ जी जी सर। हाँ जी, मेरी उम्र 55 साल है जी। और मेरे जी ये शुगर की प्रॉब्लम है जी, शुगर है, बीपी है, और कब्ज की शिकायत भी है। शुगर कब से है सर आपको? हाँ जी, शुगर कब से है? शुगर तो जी मेरे अभी थोड़े दिनों से है जी, 1 महीने से। अभी 1 ही महीने से पता चला है, तो आप मेहनत करिए जरा, 1 घंटा पैदल चले। लगातार नहीं चल सकते तो आधा आधा घंटा करके चले, 15-15 मिनट करके चले, लेकिन 1 घंटा पैदल जरूर चले। ये शुगर वालों के लिए वरदान है अगर वो चल सकते हैं तो। फिर गर्म पानी पिया करें, पूरे दिन में कम से कम 5 बार गर्म पानी, खूब गर्म, अच्छा जो आप पी सकें। ये भी शुगर को बहुत कंट्रोल करता है। जितना खाना खाते हैं उससे कम कर दीजिए थोड़ा सा। और एक है कलौंजी का सिरका या जैतून का सिरका, लेकिन ये नकली बहुत मिलते हैं, आप जाने, असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। कलर में ये ऐसा होता है ब्राउन कलर, कॉफ़ी जैसी होती है, कॉफ़ी कलर का होता है, तो ये असली लेना आपकी ज़िम्मेदारी है। 2 चम्मच नाश्ते के बाद और 2 चम्मच रात को खाने के बाद पानी में मिला के या सब्जी सलाद में मिला के लिया करें। ये आपके पेट को भी दुरुस्त रखता है, और आपके शुगर और कोलेस्ट्रॉल को, दोनों को बड़ा फ़ायदा पहुंचाता है। रोज़ाना लिया करें, आपको बहुत फ़ायदा मुमकिन है। आबिदा, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, कहाँ से बात कर रही हैं? जयपुर से। आपका सवाल? सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी मैंने ना आपकी कंपनी से बुक किया, मंगवाया जी, तो कैसे लेना और क्या क्या चीजों का परहेज करना उसके अंदर? और एक मैंने सौंफ और जीरा अजवाइन धनिया मेथी का पाउडर बनाया है, और जब नमक लहसुन लिया बाजार से, तो उसको भी कैसे लेना है? और एक 13 साल का लड़का है, तो उससे भी, उसका भी पेट खराब रहता है, उसको कितना देना है?
और हमें कितना लेना है, मुझे कितना लेना है? नमक जैतून आपने लिया है बाजार से, ये देखना, ये नमकीन नहीं होता और नमक जैसे कलर का होता है, बिल्कुल वैसा ही नमक ही लगता है लेकिन जायके में नमकीन नहीं होता। और ये 1 ग्राम तकरीबन 20 रुपए का आता है, 1 ग्राम 20 रुपए का आता है। ये अगर आप समझ लें, नकली तो नहीं आ गया हो, अगर ये सब चीज़ें बातें मिलती हैं तो असली है। और गौंसिया भी ऐसा ही होता है, काले रंग का होता है, काले रंग का होता है, इसको पाउडर बना लें। और ये 1 ग्राम गौंसिया 15-16 रुपए का आता है, और इसलिए बता रहा हूँ लोग नकली ले लेते हैं सस्ता समझ के, और फिर वो कितना भी लेना फ़ायदा नहीं होता। बहरहाल आप ऐसा करें कि ये जो 6 चीज़ों का पाउडर 1 चम्मच खाएं, और नमक जैतून अगर असली है तो 1 चुटकी 2 गिलास पानी मिलाकर ले लिया करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है अगर असली है। और 0.5 ग्राम गौंसिया खाना है, कड़वा होता है ये, मलाई में मिला के खा लें, चिपकता है मुँह में, मलाई मिल के फिर मुँह में चिपकना बंद हो जाता है, या घी में मिला के खा लें, थोड़ी देर मिलाएं और फिर जब ये घी को पी ले तो आप इस्तेमाल कर लें, ये खाने के बाद लेना होता है। आप इस तरह इस्तेमाल करें, आपको फायदा मुमकिन। बिहार से शरण कुमार जी, स्वागत है आपका। मतलब मेरे पापा ना सर, ये पहले आर्मी में थे सर, तो मैं वो चाहते हैं कि मैं भी आर्मी में रहूं, तो सर उसके लिए तैयारी करते हैं दौड़ धूप कर, तो बहुत से नुस्खे सर पापा जी बताते हैं कि ये खाया करो ये खाए, लेकिन सर आपके अनुसार दौड़ने वाली क्या खाना चाहिए जिसके लिए दौड़ मेरा और अच्छा हो जाए सर? अच्छा देखिए, पेट जो निकलता है वो आराम तलबी से निकलता है, या ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खाने से निकलता है, ज़्यादा फ़ायदा होता है डाइट कंट्रोल से। जितना खुराक है उससे आधा खाएं, और ये इंसानियत का भी तरीका है। और पैदल चलें, आप तो यंग हैं, दौड़ें, बल्कि जितना भी आप में हिम्मत है अपने ऊपर जबर करके ना दौड़ें, पेट अपना भी चला जाता है। और मिलिट्री मैन के बच्चे हैं, जाहिर है देशभक्त होंगे, मिलिट्री में जाना है तो एक्सरसाइज बैठक मारने से पेट ख़त्म होता है और ये थाइज बढ़ती हैं, और डंड मारने से, डंड जो ऐसे मारते हैं ना डीप, इसको मारने से ये हिस्सा बनता है हमारा जिसम, और पेट कम होता है। आप तो कोई नुस्खा भी ना लें तो बहुत अच्छा है। वैसे खाने का सोडा 1 चुटकी और नमक जैतून असली 1 चुटकी पानी मिलाकर कम से कम 1 बार लिया करें, पेट और चर्बी का दुश्मन है। मेरी दुआ रहेगी कि आपको भी अपने वालिद से, अपने पापा से भी बड़ा मकाम, बड़ा ओहदा मिले और आप देश की सेवा करें। स्वागत है आपका। 35 वर्ष से डायबिटीज है, जैतून का सिर्फ और भी है, एलोपैथिक दवाई ले रहे हैं, तो क्या लिया जाए जो कि उनका डायबिटीज कंट्रोल हो, कब्जियत बराबर रहती है? 35 वर्ष से डायबिटीज है, जैतून का सिरका 2-2 चम्मच 2 बार में अपनी दवाएं भी लें, और खाना जितना खाते हैं उससे थोड़ी खुराक कम कर दें, 1 घंटा पैदल चलें और 5 बार गर्म पानी पिए, आपकी डायबिटीज कंट्रोल होना मुमकिन है। अगर किसी को जैतून सिरके से नज़ला खांसी होती है तो वो जैतून का सिरका न लें, या कलौंजी का सिरका न लें। किसी को भी इससे अगर नज़ला खांसी होती है तो वो इसके बदले में जामुन का गोंद लें, 1 चुटकी सुबह 1 चुटकी शाम, खाने से पहले ले लें तो बहुत अच्छा है, इससे भी वही फ़ायदे होना मुमकिन है।